मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बीच बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी घनश्याम धनगर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। कार्य में लापरवाही बरतने पर उन्होंने जहां बीएलओ की क्लास लगाई, वहीं देरी से आने पर उन्हें फटकारा भी। देखिए ये खास खबर। 2 अगस्त से 11 सितंबर के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन या नाम हटाने का कार्य जारी है। इस पूरे कार्य को ब्लॉक लेवल ऑफिसर अंजाम दे रहे हैं, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर आवेदन ले रहे हैं। इन सभी बीएलओ को फॉर्म की जांच भी करनी है, ताकि कोई त्रुटि ना रहे। इंदौर जिले में अब तक 2,25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक नाम जोड़ने के हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के बीच रिटर्निंग अधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ के कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी घनश्याम धनगर ने अपने क्षेत्र के बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक में देरी से आने पर कई बीएलओ को कड़ी फटकार भी लगाई। अभी एसीआई के डायरेक्शन में 2 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक एसएसआर 2 के तहत फॉर्म जोड़ने और यदि कोई मतदाता की डेथ हो गई या शिफ्ट हो गए हैं तो उनके नाम हटाने के संबंध में और रिपिक कार्ड में कोई संशोधन कराना है तो उसके संबंध में आवेदन लिए जा रहे हैं। उसी के तहत आज बीएलओ और सुपरवाइजर की समीक्षा मीटिंग रखी गई थी और समीक्षा में जो ईसीआई के नए निर्देश है उनसे सभी को अवगत कराया गया और कैसे काम करना है और डोर टू डोर जाके सर्वे करना है ताकि कोई भी जो नवीन मतदाता है उनका नाम इपिक मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित ना रहे। साथ ही ऐसे कोई व्यक्ति जो यहाँ पे रहते नहीं हैं या जिनकी डेथ हो गई है ऐसे लोगों का नाम हटाने के संबंध में इनको निर्देश दिए हैं ताकि जो मतदाता सूची बने ई रोल का काम हमारा 100% शुद्ध रहे और किसी प्रकार का कोई पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से वंचित ना रहे। सर आज जो बैठक हुई उसमें कई लोग लेट लगती पाए हैं, जो नहीं आए उनसे क्या कार्रवाई हुई? इसमें कुछ बीएलओ को कुछ व्यक्तिगत परेशानी के कारण समय पे नहीं आए थे तो उनको समझाइश दी गई है कि अगली बार वो समय पे आए अन्यथा फिर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 11 सितंबर तक प्राप्त आवेदन ऑन के दावे आपत्ति का निराकरण कर 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।